Hola, dosto. तो जी एस कॉम्पनसेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जैसा कि बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है कि सेंटर ने स्टेट को जो जीएसटी एस कॉम्पनसेशन देना है वो बहुत ही ज़्यादा डिलेड है और अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ को फॉलो किया है तो आपको ये भी पता होगा कि कुछ ही दिन पहले सरकार ने मार्च ट्वेंटी तक का जीएसटी कॉम्पनसेशन पूरा कर दिया है लेकिन उसके बाद का जीएसटी इज स्टिल डिलेड तो इसी कॉन्टेक्सट में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पर लेकिन विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन कि टैक्स डेवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ ठीक है जीएसटी सीजीएसटी का बेसिक आइडिया क्या है जीएसटी एस कॉम्पनसेशन क्या है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद द होल कॉन्सेप्ट डी गुड्स क्या होते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या होता है प्लस कुछ चैलेंजेस की हम बात करेंगे कि आजकल जीएसटी एस कॉम्पनसेशन से एसोसिएटेड क्या चैलेंजेस हैं जो सरकार फेस कर रही है एंड सर्टन सजेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज से आए हैं कि, कि किस तरह से इस जीएसटी एस कॉम्पनसेशन की प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जा सकता है तो कोशिश यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स आपके डिस्कस कर दिए जाएं ठीक है तो अगर आप हम इसको आगे डिस्कस करने की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको न्यूज़ के बारे में कहा ही है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में एक नया फ्लैश पॉइंट है नया मुद्दा है दिस डिलेड जीएसटी एस तो अगर आप इसको शुरुआत करें तो हमेशा जैसा मैं कहती हूँ इर रिस्पेक्ट ऑफ वॉट यू स्टडीड क्वेश्चन कभी कभी बहुत ही डिविएटेड आ जाते हैं अब दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन राइट right, या अगर आप इसे पॉलिटी का टॉपिक मान लो राइट right, उसका उस पर प्लस एक uh, राधा जीएसटी मान लीजिए कि आप इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है बट उससे एसोसिएटेड पॉलिटी और हिस्ट्री का पर्टिकुलर पॉइंट भी कभी कभी आ जाता है फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन में आ, Rather, ये जो पर्टिकुलर एक्ट था दिस द रिजल्ट ऑफ मोन्टाग्यू रिपोर्ट तो वो कह रहे हैं जो मोन्टेग रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से ये रिफॉर्म्स आए थे प्लस यहाँ पे डेवल्यूशन रूल्स ऑफ टैक्सेशन भी आए थे ना यूजली टैक्सेशन वाला पॉइंट हम भूल जाते हैं दैट इज वाई एव इंक्लूडेड इट हियर अब आप भूलोगे नहीं जब आप जीएसटी से इसको बात करोगे जब हम इसे आंसर करेंगे एंड में यू विल बी एबल टू रिमेंबर है ना बेटर नेक्स्ट है कौन सी अमेंडमेंट की बात है तो वन हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट की बात है या नहीं है या कोई और अमेंडमेंट है तो शुरुआत करते हैं कि डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस कब शुरू हुए जब उन्नीस uh, में सबसे पहले मॉन्टाग्यू क्लेम्सवर्ड रिपोर्ट की बात हुई तो जब भी आप मॉन्टाग्यू क्लेम्सवर्ड रिफॉर्म्स की बात करोगे हमेशा ही इस रिपोर्ट की वजह से आया और यहाँ पे डेवल्यूशन रूल्स की बात हुई सिंपल शब्दों में समझते हैं दैट द एक्ट केप्ट इनकम टैक्स एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो टॉप पे गवर्नमेंट थी अगर मैं उसे आपकी रेफरेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह दूँ तो इनकम टैक्स को एज सोर्स ऑफ रेवेन्यू माना गया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उस समय पे लेकिन बंगाल और बॉम्बे को जो है कुछ टैक्स का कुछ परसेंटेज असाइन किया गया सो दैट उनके जो जो भी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रीच हो तो आप देख रहे कहीं कहीं ना टैक्स की शेयरिंग है जो डेवल्यूशन रूल्स है वो 1919 में पाए जाते हैं लेकिन अब हुआ क्या कि बंगाल या बॉम्बे को कुछ परसेंट दिया गया एंड अ लॉर्ड ऑफ अदर प्रोविंसेस विल नॉट गिवन एनी सर्टन टैक्सेस के लिए सॉरी ऐसे टैक्सेस के लिए कुछ भी पैसे तो अल्टीमेटली क्या हुआ ये जो डेवल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था ये क्रिटिसाइज किया गया बाय द कि ये बहुत ही ज़्यादा इन है हमारी नीड्स को मीट करने के लिए तो इवेंचुअली क्या हुआ कि एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया कि क्या इश्यूज़ हैं क्या मुद्दे आ रहे हैं एंड उन सभी इश्यूज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में सॉल्व किया गया अगर आप देखो 1935 एक्ट इसको इनिशियली स्टडी किया गया एक बेसिक टेम्पलेट माना गया कि जब भी हमारी इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद किस तरह का टैक्सेशन सिस्टम होगा इसलिए 1935 टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब इसमें क्या हुआ इन्होंने बोला फेडरल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस कलेक्ट करेगी प्रोविंसेस कौन से टैक्सेस कलेक्ट करेंगी कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट लिवाए करेगी लेकिन शेयर प्रोविंसेस के साथ करेगी या फिर लिवाए भी फेडरल गवर्नमेंट करेगी और शेयर भी आ, राधा uh, या फिर शेयर रिटेन uh, किया जाएगा इनको प्रोविंसेस से अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसको याद करने की जरूरत नहीं बस सिंपल शब्दों में समझो कि उस समय का अगर आप प्रोविंज और फेडरल गवर्नमेंट को सेंटर स्टेट के नाम से ले लो तो उस समय यह डिसाइड हुआ कि, कि किस तरह से इनकी शेयरिंग होगी देखो बहुत ही सिंपल सी चीजें बनती हैं कि जो सेंटर लिवाए करेगी वो सेंटर कलेक्ट करेगी जो कुछ ऐसे टैक्सेस होंगे जो स्टेट लिवाए करेगी और स्टेट कलेक्ट करेगी इसी तरह से दोनों ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैक्स लिवाए करेंगे अकॉर्डिंगली

नलिनी रंजन सरकार थी उनको बोला गया कि आप 1935 एक्ट को पढ़िए और फिर रेकमेंड कीजिए कि किस तरह से टैक्सेशन जो है होनी चाहिए डेवल्यूशन किस तरह से होनी चाहिए अब यहां पे कमेटी ने बोला कि भाई आप एक फिनेंस कमीशन नाम की जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसको डिवाइस करो जो, जो क्या करेगी जो कि एलोकेट करेगी कि टैक्सेस किस तरह से शेयर होंगे बिटवीन यूनियन एंड दी स्टेट्स ठीक है तो यहाँ पे फिनेंस कमीशन बन गया आर्टिकल 280 जो कि रिकमेंड करता है प्रेजिडेंट को कि किस तरह से टैक्सेस जो है शेयर होंगे राइट और हर बार आपने देखा है फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स आती रहती हैं तो अल्टीमेटली फाइनेंस कमीशन ने बताया कि किस तरह से एलोकेशंस होनी चाहिए राइट right? केम जीएसटी है ना कि जीएसटी ने सारे के सारे टैक्सेस को सारे सारे, के सारे, हाँ बीन तो अगर इसकी इस ओरिजिन पे, पे आपको कभी सवाल आ जाए तो अब आपको पता है कि आपको 1990 एक्ट जो है उसको कोट करना है 1935 एक्ट को कोट करना है एंड गो बैक एंड रीड कि जो ये एक्सपर्ट कमेटी है ये किसके अंडर थी एंड देन यू हैव टू कोट फिनेंस कमीशन एंड देन आप लिखोगे कि अब जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें जीएसटी की बात है एंड दी अमेंडमेंट इज वेल वन हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो कहीं ना कहीं जब आपको इन पे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है दिस शुड बी मोर देन अनाफ

ठीक है लेकिन आप खुद जाके सरकार को तो नहीं दे रहे ना आप तो शॉप पे जाके दे रहे हो कि भाई शॉप वाले ने आपको बिल दिया आपने शॉप वाले को पैसे दे दिए तो सरकार को जो है वो शॉप वाला देगा लेकिन आप उसको पे कर रहे हो तो जीएसटी पे तो कंज्यूमर कर रहा है आपको बिल मिल रहा है आपने कंज्यूम किया लेकिन आप डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहे हो सरकार को रेमिट कौन कर रहा है सरकार तक पहुंच कौन पहुंचा रहा है वो जो बिजनेसिस है तो इस तरह की टर्म्स भी कभी कभी आ जाती हैं कि पेड बाय द कस्टमर्स बट रेमिटेड टू तो द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज तो ये रेमिटेड वाला शब्द भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन बहुत ही आ, कभी कभी टेक्निकल हो जाती है फॉर ऑल दोज पीपल जो कहीं ना कहीं मेरी तरह अंग्रेजी में कमज़ोर है तो इन इन शब्दों का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो अगर हम आ, अगली बात करें आ, बहुत जो सिंपल सा इशू है जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहा है, है ना डिपेंडिंग अपॉन कि डेस्टिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर आप पे कर रहे हो आपने मान आपने मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी आप शॉप पे गए आपने खरी आपने खरीदी और जीएसटी पे किया सिमिलरली मैं किसी रेस्टोरेंट में गई मैंने कोई सर्विस ली मैंने पे किया इसका मतलब ऐसी स्टेट्स जिनमें जिनमें की दी पीपल हु विल कंज्यूम आर मोर उनमें ये टैक्से ज्यादा होने चाहिए लेकिन ऐसी स्टेट्स जो सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो नुकसान में रही राइट right? इसलिए भी इनिशियली जीएसटी के खिलाफ काफी ज्यादा रोष रहा

कंज्यूमर की तो जरूरत है तो हो सकता है कि हमारे टैक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए ठीक है तो इसी डर को कम करने के लिए सरकार ने बोला था कि हम भाई आपको जो भी आपके लॉसेस होंगे हम अगले पांच साल तक आपको पे करेंगे इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे बट ये एक सिंपल सा इशू है जो आपको याद रखना है यू कैन ऑलवेज को दीज इन योर मेन्स आंसर ठीक है अब अगर हम जीएसटी का आइडिया समझने की कोशिश करें ध्यान से देखना दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है ठीक है एक टर्म है आपकी इंटरेस्ट एक टर्म है आपकी इंटर स्टेट ठीक है इंटर स्टेट क्या होता है इन द सेम स्टेट मान लो कि मैं महाराष्ट्र में हूं ठीक है और मैं गुड्स मैन्यूफेक्चर महाराष्ट्र में करती हूं जो मुझसे खरीदने आ रहा है वो भी महाराष्ट्र में ही कर रहा है तो अगर सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन है ठीक है तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे सेंटर जीएसटी लगता है और स्टेट जीएसटी लगता है एंड देन होता क्या है मान लो कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज खरीदी एक्स उस पे आपको टोटल जीएसटी लगा चौदह परसेंट लेट से तो वो जो चौदह परसेंट है वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा कुछ पार्ट सेंटर के पास चला जाएगा कुछ पार्ट स्टेट के पास चला जाएगा ठीक है सिंपल स्टेट में ये होता है जब एक ही स्टेट में कोई ना कोई टैक्स uh, लग रहा है आपको इट कुड बी कु थिंग किसी गुड्स पे भी हो सकता है किसी सर्विस पे भी हो सकता है लेकिन अब अगर आपकी सर्विस इंटर स्टेट है इंटर स्टेट का मतलब क्या है मान लो महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जाए या गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ आए तो उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोलोगे इस समय पर क्या होता है अब यहाँ पे आपको लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी आई जी एस टी और इसकी जो प्रोसीड शेयर होती हैं वो शेयर होंगी डिपेंडिंग अपॉन जो भी स्टाचूट आपका कहेगा विच इज मेड बाय बाई पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट को स्टैचूट में क्या बताना है कि कितने परसेंट चेंजेस होंगे अब कौन बताएगा इनको कि किस तरह से आ, कितना परसेंट शेयर होना चाहिए इनको रेकमेंड करेगी जीएसटी काउंसिल वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो आपको समझ में आया जब एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन है जो जो टोटल जो आपको टैक्स लगा उसको दो पार्टस में डिवाइड कर दिया जाता है एक स्टेट के पास सेंटर के पास जाता है एक स्टेट के पास लेकिन जब ट्रांजेक्शन जो है इंटर स्टेट है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ तो उस पर आई लगेगा Right? Or that will be decided by the statute, will be made by the parliament. Jisko kon. Uh बताएंगे कि कितना परसेंट लगेगा विल बी रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल ना वन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ही पॉइंट टू नो हियर इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो जीएसटी होता है वो हमेशा इंटर स्टेट ही माना जाता है कभी भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जीएसटी की बात करोगे और आप सोचोगे अच्छा इस पर किस तरह से लगेगा ये इंटर स्टेट होगा या इंटर स्टेट ये हमेशा ही इंटर स्टेट होगा और एक्सपोर्ट पर हमेशा ही जी होता है ज़ीरो तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फैक्टुअल डेटा है आप याद इसको रखोगे ठीक है तो बहुत सिंपल सी अगेन जो हमने बात की है कि जब भी इंट्रास्टेट की बात होगी जब लोकेशन ऑफ बायर सेम स्टेट में सप्लाई भी और लोकेशन भी सेम स्टेट में है अब इसमें क्या होगा कि कलेक्ट होगा बोथ सी जी एस टी एस जी एस टी और इसमें क्या होगा सी जी एस टी सेंट्रल के पास डिपॉजिट हो जाएगा एस डी एस स्टेट के पास डिपॉजिट हो जाएगा इंटरस्ट इंटर स्टेट में क्या होगा जब सप्लायर और सप्लायर डिफरेंट स्टेट्स में होंगे ठीक है और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज है वो भी इंटर स्टेट में ही आएगा तो ये बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करनी है और एक्सपोर्ट्स पे जो आपका आईजीएसटी होगा दैट विल ऑलवेज बी जीरो ठीक है याद रहेगा बहुत फैक्चुअल डेटा है एग्जाम में पूछते हैं दैट थिंग्स अब जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात क्यों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली तो प्रॉब्लम क्या थी कि स्टेट्स को लगा भाई हमारा तो रेवेन्यू ही कम हो जाएगा देखो मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिया और भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेट बाय स्टेट पैसा ले रही थी अब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्ट्रक्चर था लेकिन अब अगर आप एक पूरे एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्टेट्स को डेफिनेटली नुकसान होगा मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर चीज पे स्टेट दस परसेंट ले रहा था सेंटर कह रहा है नहीं अब ऑल ओवर इंडिया आठ परसेंट ही लिया जाएगा तो स्टेट को तो दो परसेंट का नुकसान हो गया ना तो इस वजह से कि कहीं रेवेन्यू लॉस ना हो कहीं ना कहीं जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात हुई ठीक है पर अगर मैं इसको और स्पेसिफिक तरीके से कहना चाहूँ तो बेसिकली स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया गया कि भाई आप एक्सेप्ट कीजिए और इम्प्लीमेंटेशन कीजिए जीएसटी को कि कहीं ना कहीं जो भी आपके लॉसेस होंगे हम उनको पूरा करेंगे लेकिन आपको जो ये इस पर्टिकुलर रिजीम है इसको मानना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जो हम जीएसटी में मर्ज कर देंगे तो अल्टीमेटली अश्योर किया गया स्टेट्स को कि भाई आपको कोई रेवेन्यू लॉस नहीं होगा इवन इफ जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया क्योंकि पैसा तो हम आपको दे रहे हैं तो सेंटर ने कहा भाई हम आपको पैसा देंगे अब इसमें वही सबसे बा... एक एक जो इश्यू बताया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको भी यही लगा कि जहां कंज्यूमर हैं उनको डेफिनेटली ज्यादा टैक्स आएगा और हमें कम आएगा इसलिए भी स्टेट्स ने इन पर्टिकुलर स्टेट सेंटर ने इन पर्टिकुलर स्टेट्स को अश्योर किया नहीं जी हम आपको जीएसटी uh, कॉम्पेंसेशन देंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है क्या ये जीएसटी एक्ट में या स्टैचू में mentioned है नहीं। कई बार ऐसा concent, uh, point आ जाता है आपको कि नहीं this is an informal thing, Act में है पर ध्यान देना इनफॉर्मलेशन क्लॉज जो है जीएसटी एक्ट में uh, mentioned है और सेक्शन सेवन ऑफ द जीएसटी एक्ट के हिसाब से बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो भी लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा स्टेट्स को स्पेसिफिकली ड्यू टू जीएसटी वो जो है पांच साल तक स्टेट्स को पे किया जाएगा ठीक है और ऐसा भी डिसाइड हुआ था कि ये हर बार कैलकुलेट करके हर दो महीने बाद स्टेट्स को दे दिया जाएगा बट अब ड्यू टू कोरोना क्राइसिस ऑब्वियसली ये सारा कुछ प्रोसेस डिले हो चुका है नहीं तो हर दो महीने में पे किया जाना चाहिए था ठीक है जी याद रहेगा अब आ, एक सिंपल सी बात है अब मान लो कि सेंटर पे तो कर रहा है स्टेट को अब जो टैक्सेशन सिस्टम है वो तो सबका कॉमन है तो सेंटर के पास पैसा कहां से आ रहा है ये देने के लिए तो ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन रेवेन्यू है ठीक है ये कहां से आ रहा है इसके लिए जो पैसा आ रहा है वो एक पर्टिकुलर सेस से कैलकुलेट किया जा रहा है जिसको आप जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस कहते हो अभी किन चीजों पर लगाया जा रहा है उन चीजों को जिनको लग्जरी गुड या सि गुड्स कहते हैं ठीक है सिन क्या होता है पाप कहते हैं जैसे कि ऐसी चीजें जो कि कहीं ना कहीं एज लग्जरी है जो कि नॉर्मल रोजमर्रा की चीजों में आपको जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो ऑल द लग्जरी गुड उनप कॉम्पनसेशन है अब ध्यान देना ऐसा नहीं है कि लग्जरी गुड पर जीएसटी नहीं लग रहा ठीक है जीएसटी के ऊपर से इन पे और सेस लगता है ठीक है मान लो कि लग्जरी गुड एक्स है उस पर जीएसटी लगेगा प्लस उस पर सेस भी लगेगा कुछ और ये जो सेस है इससे पे किया जाता है जो भी कॉम्पनसेशन या जो भी रेवेन्यू लॉस हुआ है आपकी स्टेट्स को ठीक है है तो ये ये जो सेस है, ये एक से डिपेंड कैलकुलेट काल, किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन जो भी अमाउंट है और जीएसटी के ऊपर इसको एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया जाता है ठीक है तो जो भी लग्जूरियस गुड्स हैं उनको किया जाता है अब यहां पर किस तरह के लग्जूरियस गुड्स है ना टोबैको पान मसाला राइट कार्स कुछ इन तरह की चीजों पर इसको अप्लाई किया जाता है अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट एक है डी गुड्स एक है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट डी गुड्स क्या होते हैं ये जिन पे टैक्स लगाए जा रहे हैं ना जो मैं आपसे कह रही थी सिन गुड्स हैं उनको डी गुड्स भी कहते हैं ठीक है और जो इन पे टैक्सेस लगते हैं इनको सिन टैक्सेस भी कहते हैं बहुत सिंपल है कि ऐसी गुड्स जो कही कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव इंपैक्ट हो कंज्यूमर पे नीड नॉट बी नेगेटिव है ना बेसिकली बड़ी सिंपल सी फिलोसफी की बात करें जो भी लग्जरी है हो सकता है इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हो कस्टमर्स पे तो इसीलिए इन डीमेरिट गुड्स पे टैक्स लगाया जाता है विल आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ इट बिकॉज इकोनॉमी की टर्म्स में हर चीज का एक डिफरेंट इंपैक्ट है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिन भी चीजों पर यह टैक्स लगाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं आप डीमेरिट गुड्स टैक्स कह रहे हो ऐसा टैक्स ऐसी चीजें जिनके कहीं ना कहीं मेरिट्स या एडवांटेजेस नहीं है और इसको इनफॉर्मली सिन टैक्सेस भी कहा जाता है ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं सही नहीं मानी गई हैं इन टर्म्स ऑफ सिं टैक्स सिंपल शब्दों में समझा रही हूं नॉट एग्जैक्ट मीनिंग एज इकोनॉमी बट अगर आपको कोई टर्म ऐसी आ जाती है प्री में तो यू शुड बी एबल टू टेल अगर आपको सिन टैक्स पूछ ले डी गुड्स पूछ ले ठीक है या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के बारे में पूछ ले आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि भाई ऐसी चीजें जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालती है उनपे कहीं

ठीक है कोशिश तो यही है ना कि सौ रुपये अगर पहले भी आ रहा था तो अभी भी सौ ही आए या सौ से ज्यादा ही आए कहीं सौ से कम ना आ जाए ताकि स्टेट को नुकसान ना हो जाए है ना ऑल दो नुकसान हो रहा है सेपरेट इश्यू बट बेसिक कोशिश क्या होती है कि एक न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाए एक बैलेंस मेंटेन किया जाए ठीक है तो फोकस जीएसटी में क्या था कि ऐसे रेट्स पर अराइव किया जाए जिससे कि जो गवर्नमेंट का करंट रेवेन्यू जनरेशन है वो डिक्रीज ना हो तो कोशिश क्या की जाती है कि ऐसा स्ट्रक्चर हो इस तरह के डिफरेंट रेट्स स्टैब्लिश किए जाए जिससे कि जो करंट रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो और जो जीएसटी के अंडर रेवेन्यू जनरेशन की बात थी उस समय पे राइट वो दोनों न्यूट्रल रहे ठीक है मान लो पहले अगर सौ रुपये डिसाइड था सौ रुपये आ रहा था तो इस तरह से आगे भी चार्ज किया जाए मान लीजिए हमने कहा कि किसी भी चीज़ पे एक्स वाई जी परसेंटेज चार्ज हो रही थी और सौ रुपये आ रहा था अब आपने परसेंटेजेस बदल दी अब आप ए बी सी परसेंटेज शेयर कर रहे हो पर आप कह रहे हो कोशिश की जाए कि सौ रुपए ही आए तो ऐसा रेट जिससे कहीं ना कहीं जो पहले सौ रुपए आ रहे थे अब फिर सौ रुपए बन जाए इस रेट को आप रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहते हो कि कहीं ना कहीं इस तरह का टैक्सेशन सिस्टम बनाया जाए इस तरह के रेट्स लगाए जाए कि जो रेवेन्यू जनरेशन है प्री जी और पोस्ट जीएसटी भी सेम रहे जो रेवेन्यू जनरेटेड है वो क्या रहे न्यूट्रल रहे तो ऐसे रेट्स को Revenue Neutral रेट कहते हैं ठीक है यूटूट क्या है ठीक है? ये आपके स्कोप के बाहर है जो इकोनॉमिक ऑप्शनल वाले होते हैं लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी आपको पूछ ली जाए यू आर सपोज टू नो ठीक है जी चलिए अब इंपॉर्टेंट इशूज टू कंसिडर ठीक है सबसे पहले चीज क्या है कि शॉर्ट फॉल सेस ड्यूरेशन से क्या हुआ है कि स्टेट्स को पेमेंट में डिले हो गया तो अल्टीमेटली क्या है जो फेडरलिज्म का बेसिक मुद्दा है कि हमेशा स्टेट्स और सेंटर में फ्रिक्शन रहती है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है क्योंकि कोविड पैंडमिक आ चुका है तो कहीं ना कहीं क्या है लोगों ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी अब अगर लोग ही कम हो जाएंगे कंज्यूमर ही कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो जीएसटी रेवेन्यू था ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ऑल्सो एक नॉर्मल चीज पे जीएसटी रेवेन्यू तो कम हो ही रहा है प्लस आप ये मान लो कि अगर जनता आम चीजों पे खर्चा नहीं करी तो डेफिनेटली लग्जरी कुछ पे भी कम खर्चा करेगी अब जी, आम जीएसटी कम हुआ आपका तो सरकार का सॉरी जीएसटी कम हुआ तो सरकार का रेवेन्यू कम हो गया अब मान लो कि लग्जरी गुड्स पे भी पैसा खर्चा नहीं हुआ तो क्या होगा जो कॉम्पनसेशन सेस था आपका जिससे जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा था अल्टीमेटली जो यहां से रेवेन्यू डेफिसिट था सरकार उसे कॉम्पनसेशन सेस से कम कर रही थी अब लग्जरी गुड्स पे भी जनता ने कम करना बंद कर दिया क्योंकि कोविड क्राइसिस है तो कॉम्पनसेशन सेस से भी इतना पैसा नहीं आ रहा कि सरकार जो है वो जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा था उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर सके इसीलिए बहुत जरूरी है सरकार के लिए कि एक प्लान ऑफ एक्शन बने कि जो ये डेफिसिट है

खर्चा करना बंद कर देगी तो क्या कॉम्पनसेशन बढ़ाया जाना चाहिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और मान लीजिए कि पहले पांच साल कहा गया कि पांच साल हम आपको रेवेन्यू लॉस पे पैसा देंगे लेकिन अब कोविड क्राइसिस में क्या इस पांच साल को और साल करना चाहिए या पांच पे ही रुक जाना चाहिए ये भी सरकार को अभी डिसाइड करना है ठीक है तो बहुत सारे सजेशन आए हैं वेरियस सोर्सेस से लेट्स किस तरह के सजेशन है ठीक है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट से बोरो कर लेना पैसा जो भी आपको कम पड़े है ना कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट पर लेकिन लीगैलिटी अभी भी एग्जामिन नहीं की गई है व्हाट वुड बी द लीगल कॉन्सिक्वेंस या मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी अभी तक बात नहीं हुई है ऑल्सो हमेशा बात हुई है कि कॉम्पनसेशन बढ़ा दो टैक्सेशन बढ़ा दो लेकिन क्या यह सही है एट द टाइम ऑफ कोविड इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अब स्टेट्स तो कह रही है कि सेंट्रल की बोरोइंग बढ़ा दो अब स्टेट्स चाहती हैं कुछ अगर आप देखोगे तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट को बोरो कर लेना चाहिए ऑल्दो दे डोंट टॉक अबाउट की एक्सटर्नल बोरोइंग करनी चाहिए या आर बी आई से बोरो करना चाहिए मार्केट से बोरो करना चाहिए पर कुछ स्टेट्स कह रहे हैं कि सेंटर को ये बोरो करें और स्टेट्स को जो भी शॉर्टफॉल है उसमें पैसा दें लेकिन अगेन इसका क्या मेकैनिज्म होना चाहिए उस पर बात की जानी चाहिए ओल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज बढ़ानी बहुत जरूरी है टैक्सेशन में है ना फॉर एग्जांपल किस तरह से ऑडिटिंग होनी चाहिए सो दैट किस तरह से लोग इवेड करते हैं टैक्सेशन उसको भी बढ़ाया जाए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होने बहुत जरूरी है इसके लिए कि किस तरह का टैक्सेशन है किस तरह के स्पेशलिस्ट उसको हैंडल करें यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है रादर बेसिकली कंप्लायस मैकेजम को बेटर करने की जरूरत है यू कैन कोट ऑल दीज थ्री पॉइंट इन योर मेन्स ताकि रिटर्न की स्क्रूटनिटी ऑडिट और एंटी इवेजन तीनों को ही प्रॉपरली कंप्लाई किया जा सके ठीक है जी याद रहेगा ओके एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये तो आपने बात की फ्रॉम द टॉप कि क्या किया जा सकता है अब स्टेट के भी तो कुछ ग्रिव्यांस हैं तो स्टेट के ग्रिव्यांसिस के लिए एक ग्रिव्यांसिल काउंसिल होना चाहिए रादर स्टेट्स जो हैं वो अपने जीएसटी सेक्रेटरीट की बात कर रहे हैं कि भाई यूजली जो हमारे मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जी एस टी सेक्रेटेट अगर एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है तो ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है हमें हमारे मुद्दों को रिजोल्व करने के लिए ठीक है तो जी एस टी सेक्रेटेट की भी बात कहीं ना कहीं है ठीक है जी तो आई होप आपको काफी डिटेल में मुद्दा समझ में आ गया है कुछ भी अब आपको लॉजिक आ जाए यू शुड बी एबल टू आंसर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें हमने पढ़ा था डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस की बात यस मोन्टाग्यू क्लेम्सो रिफॉर्म में हुई थी जब यहां पे इन्होंने बोला कि मेजर रेवेन्यू कहां से आएगा इनकम टैक्स से आएगा सॉरी मेजर रेवेन्यू जो है टैक्सेशन से आएगा लेकिन इन्होंने बंगाल और बिहार के लिए भी कुछ टैक्स असाइन करने की बात की थी दूसरी अमेंडमेंट का नंबर भी सही है तो योर आंसर बिकम्स बोथ वन एंड टू तो आई होप हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया है आपको समझ में आया है ठीक है सो दैट मीन ऑल फॉर टूडे दोस्तों ओके okay, दोस्तों